अचानक से मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे इतने के बाद तब रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। फारक हेलो, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। कि मम्मी ईद वाले दिन कभी मुझे किचन में बुला के काम नहीं करवाती। आ गया ईद में, मतलब सुबह हरे को काट के ना मैं चाट में ऐड करती हूँ इसे। सो गाइस, लास्टली द वीट इज ओवर। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज ईद का दिन है, आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। और ये मेरा आउटफिट माशाल्लाह इतना प्रिटी लग रहा है। एक्चुअली जो ईदी में आउटफिट आई होती हुई होती है ना, उसी को सबसे पहले पहना जाता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना ये वाला आउटफिट पहनी। बाकी मेरे सारे आउटफिट उधर हैं तो मैं इसको चेंज कर लूँगी, बट पहले इसको पहन के मैं सबसे मिल लेती हूँ। तो अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू कैरी माई चूड़ा। जो चूड़ा आया हुआ है वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। लेट मी शो यू। ये गाउन मुझे लंबा हो रहा है, बट चलो ठीक है। एक्चुअली गाउन इतने लंबे होते हैं तब ना, जब हम नीचे से हील्स पहनेंगे तब जाकर के वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाले हैं। लुक एट दिस, ओ माय गॉड। मतलब मेरे को बस इसको पहनने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ये वाले इयररिंग्स, इसमें चोकर इयररिंग्स सब हैं, तो अभी मैं चोकर इस पर नहीं पहनूंगी मैं, बिकॉज इसका नेक जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ तक। वैसे चोकर भी पतला सा है, बट स्किप कर देंगे। इयररिंग्स हमारी हेवी है तो हम इयररिंग्स डाल देंगे। एंड बस फटाफट से मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और नीचे मेरी मम्मी चाट बना रही है, मटन बना रही है, बिरयानी बनाना है, तो मैं बोली कि पहले मैं सबसे मिल लेती हूँ, तब मैं बिरयानी बनाने में थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा दूँगी। तो इसलिए भी मैं फटाफट से रेडी शेडी होकर गली में सबसे मिल लेती हूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करके देन फिर मैं थोड़ी सी किचन में भी मम्मी की हेल्प करा दूँगी। यार बेचारी मम्मी सुबह से, इनफैक्ट रात में ही मैंने किचन के कोई काम नहीं किए हैं। दही बड़ा कस्टर्ड सब कुछ मम्मी बना रखी थी, सुबह से मम्मी किचन में लगी पड़ी है। एंड बस मैं अभी रेडी शेडी हो रही हूँ। पता है मम्मी मुझे मतलब काम बोल भी नहीं रही है, एकदम मेरे को छोड़ दिया, त्याग डाली मेरी मम्मी की, तुमको जो करना है तुम करो, तुमको काम करने का भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बोली वाह, शादी फिक्स होने के बाद मतलब इतने सारे फायदे होते हैं। वैसे पहले ही मम्मी ईद वाले दिन कभी मुझे किचन में बुला के काम नहीं करवाती थी, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि मुझे रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इतना जो बक 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 करती हूँ ना, इसलिए मेरे को और रेडी होने में टाइम लगता है, मैं रेडी होकर आती हूँ। सो गाइज, यहाँ मैं अपना मेकअप शेकअप एंड ऑल सब कुछ टनाटन तरीके से रेडी शेडी कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ईद के दिन आप लोग किस तरीके से रेडी हुए थे, एंड आप लोग के आउटफिट का कलर क्या था, मुझे कमेंट में बताना। ओके गाइज, मेरा लिप शेड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, एंड दिस इज़ बाय ब्रांड मामा अर्थ, और इसका शेड नेम है 09 क्रैनबेरी क्रश। अभी मैं सोची थी कि न्यूड लिप्स लगाती हूँ, बिकॉज आउटफिट का कलर जो है सो डार्क है, बट मैं न्यूड्स लगाने के बाद जब इसको अप्लाई की हूँ ना, ओ माई गॉड, दिस इज़ लुकिंग सो बॉम्ब। और मेरे फेस पे ना डार्क कलर ज़्यादा खिलता है, तो या ये लिपस्टिक बहुत अच्छा है। तो अगर आपको शेड चाहिए तो मैंने बता दिया है 09 क्रैनबेरी क्रश, एंड दिस इज़ सो अमेजिंग शेड। अगर ब्राइडल के लिए भी चाहिए ना, तो ये शेड बहुत अच्छा है। और मामा अर्थ के लिप्स आपको लिपस्टिक ना आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करेंगे, एंड बहुत अच्छा आपके लिप्स को रखेंगे, तो इसीलिए मुझे मामा अर्थ लिपस्टिक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। तो गाइज, लास्टली द वीट इज ओवर। वैसे पहनने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ओ माई गॉड, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा चूड़ी पहनने जा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। ओ माय गॉड, हाय हाय हाय, इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, निकल जाओ। एक्चुअली दिस इज सो गुड, सो प्रिटी। और शायद मेरे कपड़े से थोड़ा सा हटके ग्रीन है या सिमिलर ग्रीन है, समझ में भी नहीं आ रहा। नहीं, सिमिलर ग्रीन है, चलो पहनते हैं। ओ माय गॉड, बिस्मिल्लाह। एक्चुअली एग्जैक्टली ये मेरा साइज है, और इससे ऊपर ये आएगा नहीं, मतलब मेरा पूरा हाथ भर जाने वाला है। हाय हाय हाय, वाओ, ओ वाओ, ये बहुत ज्यादा चूड़ियां यार, अभी इतना और पहनना है मुझे, माशाल्लाह। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, माय गॉड गाइस, दिखाऊं, ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। दिस इयर रिंग, ओ वाओ, आउटस्टैंडिंग, कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप लोग, बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा।
ये वाले इयररिंग ना सच में बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और इसी में का इयररिंग मैं अपने सबसे छोटी वाली जो सिस्टर इन लॉ थी ना उनके लिए भी मैं भेजी हूँ। एंड उनका इयररिंग मैरून कलर में था, बिकॉज़ उनका जो आउटफिट था वो मैरून कलर का था। एंड इस इयररिंग का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? So guys, I'm done, I'm ready. और पता नहीं क्यों अचानक से मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। अगर अभी मैं रो दूंगी मेरा पूरा मेकअप धुल जाएगा यार, पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन। मत रोना यार, मत रोना, बहुत मुश्किल से मेकअप किया है मैंने, देख रहे हो, रो भी नहीं सकते इंसान मेकअप करने के बाद ढंग से। सच में मतलब पता नहीं क्यों क्या मेकअप का कचरा हो गया, पता नहीं क्यों ये तैयार होने से पहले रोना नहीं आ रहा था, तैयार होने के बाद तब रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। हो गया कमारी, समझ में आ रहा है मुझे। कूल, डोंट क्राई। यहाँ ना मैं सबसे पहले गई थी उज़मा के घर पे, और उज़मा के घर पे उस माँ ने छोटा वाला बच्चा, तो मैं उससे ही मिली। यहाँ मैंने अपने कस्टर्ड दही बड़े ख़त्म कर लिए थे। आई एम बैक टू माई होम, और अभी मैं 3-4 घरों में जाके सबसे मिल चुकी हूँ। अभी 2-3 घर और बाकी हैं, बट मैं पहले वही मम्मी अकेले बना रही हूँ, थोड़ा सा मम्मी का हेल्प करा देती हूँ, देखती हूँ मम्मी क्या बना रही है। घर आके देखी तो मम्मी ऑलरेडी किचन में लगी पड़ी थी। यार मम्मी पता है इस पर बहुत ज़्यादा किचन के काम खुद में ही अकेले में की है, तो मतलब देख के भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ मम्मी मटन बना रही थी, और एक साइड में मम्मी चिकन का प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक साइड में मम्मी चिकन बना रही थी। एंड आप लोग बताना ईद में पीट आवर गेस्ट, लगाओ गॉगल्स, गॉगल्स गॉगल्स के साथ, ठीक है। बोलो ईद मुबारक। हेलो, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसी तहजीब सीख के रहो मेरे सामने। रोल सपोर्ट, चलिए अच्छा। पूरा डर गई उस वक्त, ईद के दिन लग रहा मेरा क्लास लगा देगी क्या, है ना? कैसी लग रही उज़मा, अपना आउटफिट दिखाओ। हाँ, मेरा आउटफिट आज का कुछ खास इस बार नहीं। दिस इज सो प्रिटी उज़मा, दिस इज लुकिंग सो गुड। ये कुर्ती है और ये नीचे गरारा है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, ऐसा होना चाहिए इसमें। ये कैसे मीटर दिया समीज, क्या खाओगी? चाट, चाट दही बड़ा लच्छा कस्टर्ड एनीथिंग एल्स? कस्टर्ड, कस्टर्ड भी, कस्टर्ड चाट दोनों। ओके, लेके आते हैं हम आपके लिए। सो गाइस, पता है मैं चाट में क्या करती हूँ, थोड़ा डाउन करो। ये दही बड़े हैं, ठीक है, और इसमें के दही को और इसमें से आधा वरे को काट के मैं चाट में ऐड करती हूँ। इससे चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब सच में बहुत अच्छा आता है। देखो इधर चाट रहा हमारा, एंड ये, और जब ये बरे को जब तोड़ के हम लोग चाट के साथ खाते हैं ना, इट टेस्ट सो गुड। और इसमें दही का दही भी मिक्स हो जाता है, साथ में इसमें इमली का पाउडर भी मिक्स करूँगी और सारे मसाले भी। दिस टेस्ट सो गुड, आप लोग ट्राई। सो उज़मा, हाउ इज़ द टेस्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना ये एक्सपेरिमेंट वाला? हाँ, बहुत अच्छा है। पिछली बार हम ट्राई क्यों नहीं था? पिछली बार शायद तुम मेरे घर का चाट नहीं, तुम सिर्फ कस्टर्ड खाई थी। यहाँ उज़मा को कंपनी देने के लिए मैं भी चाट इंजॉय करने लगी थी। एक्चुअली मुझे मेरे घर का चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे सारे दोस्तों को भी मेरे घर का चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करता था। मुझे आज भी याद है जब बचपन में मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे आया करते थे ना, सब चाट मांग मांग के खाते थे, इतना टेस्टी था। हाय प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं हमारे घर पे। यार हम लड़कियों के लिए ईद ना एक थोड़ा सा टास्क भी होता है। एक तो इतना रेडी शेडी हो के सब कुछ रेडी करो, पहले तो मतलब मैं इतना सब कुछ रेडी नहीं करती थी, बट यार अब मैं हेल्प कर देती हूँ। मेन जो काम होता है खाना वाना बनाने का वो मम्मी किचन में बना लेती है, और सर्व करने वाला काम मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैं सारे बच्चों के लिए कस्टर्ड रेडी कर रही थी, एंड कस्टर्ड बहुत ही प्रिटी सा बना था। फिर उसके बाद मैंने सबके लिए चाट भी रेडी किया, खाना भी रेडी किया, और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ ज़ैनब के लिए, क्योंकि अब वो आ गई थी। गाइस, यहाँ मैं ले आई हूँ, ये चाट है, दही वड़ा, कस्टर्ड, और क्या कहना क्या चाहती हैं आप? कहिए कहिए, फिर से कहिए। गाइस, ये वाली इयररिंग्स की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफें करी थी, तो ये वाली इयररिंग्स जाना ली थी, और वो दो इयररिंग्स मैं ली थी जिसमें से एक अभी मैंने
पैन रखे हैं ये पर्पल पर्पल। उफ, खाइए। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताओ, माशाल्लाह इस बार मज़ा आ गया ईद में। मतलब सुबह से इतने सारे गेस्ट आए हैं हमारे घर पे, इतने सारे गेस्ट आए हैं कि हमने मतलब जो कुछ भी वो मतलब हमारा चार्ट ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। कस्टर्ड बस एक दो कप और बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। दही वड़े होंगे 3-4 कप और, बट और सब कुछ बस टोटल तरीके से खत्म हो चुका है और इन सबको फिर से बनाना होगा क्योंकि 2 दिन तक और गेस्ट आते रहेंगे। तो इस पर बहुत अच्छा लगा। हाँ बस बर्तन बहुत ज़्यादा ही निकल रहे थे तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा साइड रख देते हैं। और अभी मैं अपने लिए भी चाट बना के लेकर आई हूँ, बहुत मस्त खट्टा खट्टा ना, खट्टा तीखा मस्त एकदम स्पाइसी सा। तो अभी जा रही हूँ उसको ट्राई करना। और ये झुमका सच में बहुत हेवी है तो थोड़ा मुझे ऐसे कान में ना बहुत वेट लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा भी निकाल देती हूँ, बट बहुत प्रिटी लग रहा है। और ये वाला सूट भी बहुत प्रिटी लग रहा है, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। हाँ इसमें वेट है क्योंकि ये वाला मोटी है ना, लंबा लंबा। हो ये जो सूट लिया ना बहुत प्यारा है मगर ये हमको दे दीजिएगा। अच्छा ये आप लीजिएगा। दे सकती हैं आप? क्यों, मतलब मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं आपके शोल्डर पे दब रहा है थोड़ा सा ज्यादा। दब नहीं रहा वो मेरा, नहीं ये फिटिंग कर रही है, मैं सोचती मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स है ना, दैट्स व्हाई ये ऐसे हो रहा है। नहीं मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपने सब्सक्राइबर से पूछ लीजिए, मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस ये देखो, मैं पैदा हुई थी ना तभी से, मतलब तब से आप फिटिंग फिटिंग कपड़े पहनने लग गए, अच्छा लगे ऐसे, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम भी ट्राई कर सकते हैं। सॉरी मैं फजल बक्स के लिए पहनी हूं, आपको नहीं। सॉरी सब शेर सिकंदर। ओह माय गॉड, शेर सिकंदर जो भी है। अरे यार पता उल्टा पुल्टा लड़का मिल जाएगा आपको इधर ना, ना आप कंफ्यूज रहिएगा तो जाइए जाइए वहां जाके दिखाइए। इधर आपका तो आधा ही आ रहा है ना लुक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ इसका लुटकुन बहुत अच्छा लग रहा है। जानब सच में हमको दे दीजिएगा? नहीं नहीं आप मजाक ही करिए, सच का बात, सच का साथ नहीं दे, सच का साथ नहीं देते। इतना कपड़ा था क्या होगा, ये हमको दे दीजिएगा, ये सब ले लीजिएगा, उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकती हैं। नहीं इसके बदले 4 ये तो फिर गद्दारी है। तो यही ले लेंगे सेलेक्ट में। नहीं 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 वो मेरी ईदी है, यही ले, उससे कोई मतलब वो आपको नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास। नहीं आप पतली हैं लेकिन आप थोड़ा बॉडी बिल्डर आदमी हैं। हाँ बस वही है आपका। ओ गाइस बहुत ज़्यादा थकावट भरा दिन था एंड मैं गई थी अपने नेबर में, मैंने वहाँ मस्त बिरयानी अच्छी तरीके से खा भी करके आई हूँ, बट ब्यूटी में आ गई थी मैं। तुम तो आप तुम्हारा तुम लगड़ा रही थी, इस टाइम हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, उस टाइम हम लोग ब्यूटी के घर पर ही गए थे। सुनने के लायक थी नहीं, ये बस हम इसको रोके, हम बोले कि उसमें रुको तो चरण है यार, चल रहे अपने से 5 इंच लंबा है सैंडल पहन के चलो तो यही होगा। 5 इंच नहीं था, 4 बैठ गई, 2 इंच 3 इंच होगा, 3 इंच होगा किसी ने देर चला हो गया, देर चले उसमें अपने हेयर कट किए खुद से। Looking beautiful. Thank you. तो आज का मेरा बहुत थकावट भरा दिन था, इधर से आना भी है। Hi. आपका दिन कैसा था? मेरा दिन बहुत अच्छा था, इनके घर पे गुजर गया। दिन नहीं गुजरा आपका, शाम गुजरा, शाम गुजरा। दिन तो आपका सोते उठते थोड़ा सा चावल थोड़ा सा कस्टर्ड खाते खाते गुजरे, गुजर गया। बहुत थके हुए यार, बाहर खाने के लिए भी निकले तो और चलते 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 हालत खराब हो गई। क्या खाने के लिए निकली थी? पानी पूरी, मोमोज मिल गए, आइसक्रीम आज रोड पे हम लोग। एंड ये है नेक्स्ट डे इवनिंग का सीन। एक्चुअली मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैं उतना ज़्यादा शूट वूट नहीं कर पाई, बट मैं देखी कि ओके फाइन एक लास्ट का एक सीन और क्लिप्स ऐड कर देते हैं। 2-3 दिनों में मैंने बहुत सारे कपड़े चेंज किए और मैंने सारे के सारे कपड़े को पहनी हूँ और पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ी थोड़ी मोटी लग रही हूँ, लग रही थी ना थोड़ी सी मोटी, लाइक मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा गुब्बारे जैसा लग रहा था पता नहीं क्यों। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह पर फोकस करूँगी। एंड यहाँ मैं नाश्ता सबके लिए रेडी कर रही थी। एंड आप लोग बताने कि आप लोग का ईद कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद बहुत बढ़िया तरीके से गुजरा, अल्लाह ने बहुत बरकत दी, बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारी नेमतें आई। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय।